नमोऽस्तु सिद्धये। ॐ नमः शाम्ब सदाशिवाय। नमोऽस्तु तस्मै गरुड़ध्वजाय कृष्णाय गोपी जनबल्लभाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु। रुद्रेन्द्रयमानि नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित वडौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय सनातन धर्म, जय परशुराम। इन्हीं सभी के साथ रहने के लिए शहर के चंदवा रिसोर्ट में ब्राह्मण महासभा सहबा द्वारा भगवान परशुराम का जन्मोत्सव समारोह मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता सहबाद ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष अंजनी तिवारी ने की। इस अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के तैलचित्र पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ माल्यार्पण के साथ किया गया। जन्मोत्सव समारोह उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सहबाद क्षेत्र के कोने कोने से आए ब्राह्मण समाज से जुड़े महानुभावों द्वारा ब्रह्मा ब्राह्मण ब्राह्मण व ब्राह्मणत्व के बारे में उपस्थित लोगों ने जानकारी दी। साथ ही भगवान परशुराम के बारे में बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि ब्राह्मण से ब्रह्मा और ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मणत्व एक कला है जो जीवन को जीने की कला सिखाती है, साथ ही साथ समाज सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की अनुपम कला ब्राह्मणों में ही परिलक्षित होती है जो अन्य किसी पद्धतियों में नहीं मिलती है। बीच में आके मंच पे आके ओ गार्जियन थे, राम करम आशीर्वाद के प्रतीक्षा तमाम जाना पहुंचाना चेहरा खासकर आपसे उपस्थित पाई। आप सबके अगर लगातार नाम रखे जाए तो बहुत टाइम हो जाए, ऐसे तमाम गार्जियन लोग के प्रणाम बा। गार्जियन आप सबके प्रणाम बा। तमाम ब्राह्मण म्यूजिशियन भाई लोग आप सबके प्रणाम बा। बहुत खुशी होता आज भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है, इसमें हजारों हजार लोग शिरकत किए हुए हैं। सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, मीडिया के जितने भी बंधु आए हैं जो हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और भगवान परशुराम जिस उद्देश्य से दुष्टों का नाश किए थे इस ब्रह्मांड में, आज लगता है कि सभी लोग जग चुके हैं कि दुष्टों का नाश करके एक स्वच्छ देश और एक स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण करने का हम लोग संकल्प लेंगे। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं आज जो मुख्य अतिथि के तौर पर? पूरे शाहबाद और बिहार प्रदेश के लोग भी जो है, सुपौल और पटना सिवान से भी लोग शिरकत किए हुए हैं, रोहतास से, बक्सर से, और तमाम लोग जो हैं आए हुए हैं। ब्राह्मण सभा के द्वारा आज क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ब्राह्मण महासभा के द्वारा भगवान परशुराम की जयंती मनाई जा रही है, इसमें सभी लोग शिरकत किए हुए हैं। कुछ कलाकार लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और वो लोग भी भगवान के स्वरूप में जो है उनको कुछ आशीर्वाद लेंगे और भगवान के जो है। आज समाज का आपका कार्यक्रम, आप लोग आज क्या प्रण लेंगे? ये समाज का कार्यक्रम नहीं है, वही तो सबों के मन में ये धारणा बैठी हुई है, ये समाज का कार्यक्रम नहीं है भाई। आगे एक संगठन द्वारा कराया जा रहा है जिसमें सभी भगवान की जयंती है, सभी लोग हर वर्ग के लोग शिरकत किए हुए हैं। ये मानसिकता को हम मैंने एक दो बार और पहले भी लोग सवाल किए हैं, तो इसको मैं पूर्णतः ये बता देना चाहता हूँ कि ये भगवान की जयंती है। इसमें आज हम लोग रामनवमी मना रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो ये कहाँ कहा जा रहा है कि इनके द्वारा किया जा रहा है? हाँ, ये है कि एक संगठन के द्वारा किया जा रहा है।
इसमें सभी लोग शिरकत किए हुए हैं और हम लोग यही आज संकल्प लेंगे कि भगवान परशुराम के बताए हुए रास्ते पे निर्देश पे हम लोग चलेंगे, जिससे कि हम लोग का एक स्वच्छ समाज हो, एक स्वच्छ देश हो, एक स्वच्छ राष्ट्र हो और इस देश में जो भी हो अच्छे हो, यही हम लोग काम। कितने वर्षों से आप लोग परशुराम जयंती जो है इसमें शामिल 10 वर्षों से लगातार हो रहे हैं और अभी वर्तमान में हमको यहाँ नियुक्त की गई है कि ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है, तो हम अध्यक्ष नहीं मानते हैं, हम इस संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और उसी में हजारों लोग यहाँ शिरकत किए हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।